सबसे पहले तो आपकी वसादत से मैं करगिल के आवाम का शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी ना मेरी है, ना नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुन साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग सीईसी करगिल फिरोज़ खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फवक्तन आप सबों के साथ जहाँ कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है, और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ना मरकज़ की हुकूमत तैयार है, ना बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जी मुसलमान अक्सरियत है इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मज़हबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मज़हब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज़ को आप मज़हब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहाँ बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है, और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मज़हब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन
डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं, सियासी पार्टी हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय ये कि वो आज़ादाना तरीके से अपने फैसले लें, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर अपना फैसला ले रहे हैं। नहीं तो कोई जवाजियत नहीं बनती है कि इतने सालों के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर इस फियर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे, क्या यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं क्या आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो? अगर बिगड़ गए हैं तो बताइए, क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, यहाँ करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नंबर यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर ये सब सच है तो फिर हमें बताइए ना, क्या फैक्टर है, आप किन फैक्टरों को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये जो है राजभवन या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के लोगों को अपने हक से महरूम नहीं रख सकते। लोगों का हक है अपना अपनी हुकूमत का फैसला करना। क्या हमें उतना हक नहीं है जितना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम को है? अगर वहाँ पे आज वक्त के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से आज ये मेरा सीधा सीधा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से है, मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोग आपसे सुनना चाहेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनाइंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर डेमोक्रेटिक राइट टू अ गवर्नमेंट? बिकॉज आई नीड ओनली रिमाइंड यू ऑफ योर ओन वर्ड्स अ फ्यू मंथ्स अगो, जहां पे इसी तरह एक सवाल के जवाब में आपने कहा था, यस वी रिकॉग्नाइज देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। उस वैक्यूम को भरने के लिए अब कौन से फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो, हमें बता दीजिए। मैं शुरू में इतना ही कहना चाहता था, इसके बाद जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। बताइएगा।